यूपी के लखीमपुर में टेरर फंडिंग का काम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, उम्मीद अली, संजय अग्रवाल, शमीम सलमानी के साथ एक और शख्स गिरफ्तार। गिरोह पर नेपाली बैंक की वेबसाइट हैक कर 49 लाख रुपए निकालने के आरोप, भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए भेजा गया रुपया। वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के सामने निर्माणाधीन ओवरब्रिज की शटरिंग गिरी, हादसे में एक शख्स घायल। 2018 में भी इसी निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर पड़ा था, इसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे। अलीगढ़ में एक महिला ने अपने कुत्ते की हत्या को लेकर पड़ोसी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। महिला का आरोप पड़ोसी के मारने से हुई कुत्ते की मौत, कुत्ते के शव को लेकर पुलिस थाने पहुंची थी महिला। ग्रेटर नोएडा के अल्फा कमर्शियल बेल्ट इलाके में बीएमडब्ल्यू कार में अचानक से आग लग गई, देखते ही देखते कार धूल-धूकल जल उठी। कार गिरा बनने की इस तरह से कार से कूदकर अपनी जान बचाई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी, शाहबेरी संघर्ष समिति के सदस्यों ने शुरू किया आमरण अनशन। आमरण अनशन के दौरान विरोध प्रदर्शन का अपनाया अनोखा अंदाज, कवि सम्मेलन के जरिए प्राधिकरण के नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। नोएडा में नामी कंपनी के डिलीवरी बॉय पर लगा रेप की कोशिश का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया। नोएडा के सेक्टर 74 में रहने वाली एक महिला ने लगाया आरोप, मामले में पुलिस की जांच जारी।